करेंगे किसकी, वेराइटी की। तो टू टाइप ऑफ वेराइटी बात करेंगे, एक तो ड्वार्फ मैंने बताया, जो टॉल वेराइटी होते हैं ये क्या हिस्सा होगा बताओ, मोस्ट कॉमन वेराइटी होते हैं, हालांकि ये मैंने लिख दिया, ये क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटी होते हैं, और ये कैसा होगा, सेल्फ पोलिनेटेड, यानी स्व परागण की बात करेंगे तो स्व परागण वाले वेराइटी कौन है, ये है ड्वार्फ वेराइटी, कौन है, और ये पर परागण अगर पाया जाएगा किसी में तो वो किस में पाया जाएगा, ये पाए जाएंगे आपके टॉल वेराइटी में। कितने महीने में मैच्योर हो जाएगा, तो ये टॉल अभी तो आपने लिखा था 12 माह में ये क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। 12 माह में आपको जब फ्लावरिंग होगा इनफ्लोरोसेंस के बाद 12 माह लगते हैं। टॉल वेराइटी मोस्ट कॉमन कल्टिवेटेड क्रॉस पोलिनेटेड, बिल्कुल लिखा हुआ है, मैच्योर इन 12 मंथ, कितने माह में होंगे, 12 माह में ये परिपक्व हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से, देखो ऊपर के ये चार जो वेराइटी है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल, वेस्ट कोस्ट टॉल, लकादीप ऑर्डिनरी की बात करें, ईस्ट कोस्ट टॉल की बात करें, अंडमान ऑर्डिनरी की बात करें, इसको छोटे छोटे नाम में हमने लिख दिया एओ करके, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। प्रताप एक पूछा हुआ है, तीन चार वेराइटी आप ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, याद कर लेना। फीजी पूछा हुआ है कि फीजी किसकी वेराइटी है, तो फीजी आपको नारियल की वेराइटी है। संत रोमन के नाम आपको याद रखना है, संत रोमन फिलीपींस रहे या ना रहे, संत रोमन का नाम याद रख लेना। तो तीन चार वेराइटी तो ऐसे नहीं भी पढ़ो तो ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अब आ जाओ यहां से, यहां है ड्वार्फ वेराइटी की बात करें, ड्वार्फ वेराइटी इसके पहले भी देखो सेव किया भी नहीं, सेव कर लेता तो अभी तक ये काम भी हो जाते हैं, पर ये हट जाते हैं अपन ड्वार्फ वेराइटी पे, किस पे है, ड्वार्फ वेराइटी। अब चलो छोटा है तो छोटा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा खराब है, चल रहे हैं अब अपडेट करेगा आज, कल से ही मैं बोल रहा हूं। ड्वार्फ वेराइटी प्री बियरिंग एज 3 से 4 ईयर में इरेगुलर बियरिंग होगा। आप ना इसका तीन चार वेराइटी में जैसे टिक कर रहा हूं, चौघाट ग्रीन ड्वार्फ CGD लिख दिया हूं मैं, चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ COD, तो COD इंपॉर्टेंट वेराइटी है, गंगा वंडन भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं गंगा बोंडम भी, तो आप जैसे GV के नाम से, आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, गुजरात की है गुडांजलि ड्वार्फ। अब यहां से नुलेका एक याद रख लेना, एक नुलेका तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगा बोंडम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है GV। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें ना, तो हाइब्रिड वेराइटी जो था संकर वेराइटी, फर्स्ट हाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ के बीच हाइब्रिड बनाया गया, कि भाई एक जो लंबा है ना इसका क्रॉस कर दो किसके साथ, ड्वार्फ वालों के साथ। तो ये 1932 में पहली वेराइटी इससे क्या हुआ था, रिलीज। अब देखो इसमें से एक तो वेराइटी रहेगा टॉल का और एक क्या रहा है, ड्वार्फ का। अब एओ एक किसकी वेराइटी है और जीवी किसकी है, एओ देखो किसकी वेराइटी है, टॉल की, और ये किसकी वेराइटी है, ड्वार्फ की। नहीं समझ में आ रहा है आपको, एओ किसकी वेराइटी था बताओ, एओ टॉल में लिखाया था एओ, ये है ना अंडमान ऑर्डिनरी। तो ये चार वेराइटी तो मैंने बोला था आपको याद करने, अंडमान ऑर्डिनरी ये किसका है, टॉल का। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपने बोला था जीवी गंगा बोंडा में, ये किसकी वेराइटी है, ड्वार्फ की। तो इन दोनों के बीच क्रॉस करके क्या बनाया गया बताओ, हाइब्रिड वेराइटी। कौन सा वेराइटी बनाया गया, हाइब्रिड। ऐसा ही कई सारे वेराइटी है, चंद्रलक्ष्य है, केरा संकारा है, केरा गंगा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट वेराइटी है। एक ड्वार्फ है और एक क्या है, लॉन्ग वेराइटी है, एक ड्वार्फ है और एक क्या है, लॉन्ग वेराइटी है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से वेराइटी है, इसको एक बार दबाना नहीं तो ये टूट जाएंगे, फिर ये फंस जाते हैं, टीचर खींच ले। अब यहां से एक और वेराइटी आप मेरे लिए याद रख लेना, लक्ष्य गंगा। लक्ष्य गंगा किसके किसके क्रॉस है, तो एलओ लक्षद्वीप ऑर्डिनरी और गंगा बोंडम के बीच के क्रॉस है, ये क्या है, लक्ष्य गंगा। तो यह मेल पेरेंट जो हाइब्रिड के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन कौन है, कौन कौन से वेराइटी जो मेल पेरेंट जिससे पोलन ग्रेन आपको दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन जब करते हो, चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ और दूसरा क्या है, गंगा मोना। ये दोनों कौन सी वेराइटी है आपको ध्यान होगा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्वार्फ वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है बताओ, ड्वार्फ वेराइटी, जो किसके लिए उपयोग किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, एज ए मेल पेरेंट्स, मेल जनक के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इंप्रूव्ड टाइप की वेराइटी, यहां से एक वेराइटी आप याद रख लेना, डबल सेंचुरी। केवल ये पूछा जाता है डबल सेंचुरी किसकी वेराइटी है, तो डबल सेंचुरी जो वेराइटी है नारियल की, प्रताप किसकी वेराइटी है,
प्रताप वैरायटी किसकी है, नारियल के। तो डबल सेंचुरी, ऑर्डिनरी, ऐसा है चौघट नाम से आ जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी किसका है। संत रोमन किसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है तो ये किसकी है, नारियल की। अगर हम रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं डियर, कि कौन सा रिसर्च स्टेशन की बात करें तो वो रिसर्च स्टेशन कर रहा हूं, अब इसको बड़ा नहीं करूंगा नहीं तो वो मिट रहे हैं। चले अब आ जाइए रिसर्च स्टेशन पे। तो रिसर्च में क्या क्या बनेगा, इससे दो तीन क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कोकोनट रिसर्च स्टेशन, कोकोनट रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तनु में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा, इंटरनेशनल कोकोनट जेनेटिक नेटवर्क कहाँ है, रोम में। तो ये आप छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो। वर्ल्ड कोकोनट जर्म प्लाज्म कहाँ है, तो सिपागोट, अंडमान निकोबार आइसलैंड में, यहां जर्म प्लाज्म भी है। अगला, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या क्या है बताओ। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट कहां है, कोची, केरला में। अब ये जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ये किसके अंतर्गत आते हैं ये भी पूछता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो ये दो पॉइंट आप केवल लिख लेना रिसर्च से, हमें एक तो कोकोनट रिसर्च स्टेशन लिखना है तो लिख लेना तनु में, यहां कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये आपके कॉपी में आना चाहिए। लोकेटेड कहाँ है, कोचिन, केरला में। ये किसके अंतर्गत आते हैं डियर, तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ये दो पॉइंट आपको आना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी केरला में, तो ये कोचीन में स्थापना हुआ था 1981, और ये है कहाँ, तो केरला में। ठीक है, ये दो पॉइंट आप ऐड कर लेना। पेस्ट की बात करें, कोकोनट की पेस्ट की बात करें तो दो पेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है राइनासोरस वीटल और दूसरे का नाम है रेड पंपकिन वेबिल। तो फर्स्ट तो ये आपके एग्जाम में, और दूसरा है रेड पंपकिन वीविल की बात करें, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट की बात करते हैं तो इन दोनों का नाम आना चाहिए आपके, और आ भी रहे होंगे। पहला हम बात करें राइनासोरस वीटल की बात करते हैं, तो देखो ये राइनासोरस वीटल है, राइनासोरस के जैसा दिखता है, और कट्स राइनासोरस इसका नाम है साइंटिफिक नेम। और इसकी कैरेक्टर जो होता है ज्योमेट्रिकल कट यानी इन्वर्टेड बीसेप कट लगाते हैं, बायो एजेंट जो इसको मारने के लिए उपयोग किया जाएगा वो क्या करेंगे, ऑरिकट्स बोलो वायरस जो उपयोग करते हैं किसके लिए, राइनोसोरस वीटल के लिए हम ये बायो एजेंट क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, आप तो केवल नाम याद रखना है तो नाम याद रख लेना, राइनोसोरस वीटल जो होता है ये किसके, या नारियल की सबसे घातक जो कीट है वो कौन कौन है, आ सकता है राइनासोरस। जितने भी पाम वाले ट्री होते हैं ना उसमें ये बीटल लगते हैं, चाहे आप खजूर की बात करोगे, नारियल की बात करेंगे, वाइल्ड पाम की बात करेंगे, उसमें ये लगेगा बीटल, राइनासोरस बीटल। अगला है रेड पाम विविन, ये जो कीड़े हैं, ये जो कीट है इसका आप इमेज यहां देख सकते हो, रेड पाम विविन लाल दिख रहा है, इसका पूरा स्टेज मैंने दिखाया हूं, लार्वा कैसा होता है, एक कैसा है, एडल्ट कैसा है, प्यूपा कैसा है, जान के जूम नहीं कर रहा हूं नहीं तो आपको ये फिर गायब हो जाएंगे तो मुश्किल घड़ी में पड़ जाऊंगा मैं। अब इसमें उजिंग आउट, ये विस्कस ब्राउन फ्लूइड यानी कि भूरे रंग का तरल जो होता है इससे क्या बाहर निकलते हैं, इसके कंट्रोल के लिए मैंने दिया था मोनोक्रोटोफॉस एट द रेट ऑफ 10 ml, और 10 ml आपको क्या लेना है, पानी लेना है, और इन दोनों को मिला करके आपको पाम पे क्या करना है, लेप या छिड़काव कर देना है, जिससे इसका कंट्रोल हो जाएगा रेड पाम वेविल का। अगला है इरियोफिड माइट्स की बात करें तो ये भी सीरियस पेस्ट है, आप देख लेना, लेकिन ऊपर वाले दो रखना, रोडेंट यानी चूहे को कंट्रोल करना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो एंटी कोगुलेंट ब्रोमो डायोलोन का उपयोग हम करते हैं, किसके लिए, चूहे को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बीमारी की बात करें तो तीन बीमारी इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेम फंगस ब्लीडिंग की बात करें, ये किससे होगा बताओ, कवक से होते हैं ये बीमारी, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक्सुडेशन जो होता है यानी कि तरल पदार्थ जो बाहर निकालते हैं तो वो कैसा है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। ये देख लो किस तरह से लिक्विड आपके बाहर निकल रहे हैं, लाल कलर के क्या है, लिक्विड क्या है, ट्रंक
यानी डाली से कहाँ निकलते हैं, बाहर। तो इस तरह की अगर सिम्टम्स दिखे तो वो है स्टेम ब्लीडिंग, और जो किससे होता है, कवक से होते हैं, और कवक का नाम क्या है, थिले वियोप्सिस पैराडॉक्सा। तो ये ध्यान में रखना, नाम नहीं भी याद होंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप एक बार इसको देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें, यहां से टेंजोर बेल्ट की बात करें, तो इस किससे होता है, कवक से होंगे, और इस कवक का नाम क्या है, गोनोडर्मा ल्यूसीडम। तो इसमें ब्लीडिंग पैच ऑन स्टेम होते हैं, देख लो इस तरह से पेड़ क्या है, पूरी तरह से आपको सूखा हुआ दिखेगा। बट रॉट की बात करें, कली, ऊपर के दो चार पत्तियां जो है ये सूखे हुए दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं बट रॉट। ये क्या है, तंजौर विल्ट की बात करें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तंजौर विल्ट किसकी इंपॉर्टेंट बीमारी है, तो ये किसका है, नारियल की है, ठीक है। रूट विल्ट यानी कि जड़ में ही सूख जाए, तो ये रूट विल्ट, इसमें वेक्टर जो है वो बग है। लीफ रॉट, पत्ती का सड़ जाना, कोलाइटोट्राइकम स्पीसीज से होंगे, इस तरह से पत्तियों का सड़ जाना, ये क्या कहलाता है, लीफ रॉट। दो डिसऑर्डर इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक तो नाम है क्राउन चॉकिंग, तो क्राउन चॉकिंग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होते हैं बोरोन की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट आपको पत्तियों का गुच्छा लगना, जिसे हम रोजेट कहते हैं, या लिटिल लीफ, ये एग्जाम में पूछते हैं, पत्ती का छोटा हो जाना, पत्ती का गुच्छा लगना किसके कमी के कारण होता है, जिंक के कमी के कारण। तो दो पॉइंट यहां से आप नोट कर सकते हो, क्राउन चॉकिंग जो होता है बोरोन की कमी के कारण, और पत्तियों का गुच्छा होना या पत्तियों का छोटा होना किसके कमी के कारण, जिंक के कमी के कारण। तो ये डिसऑर्डर भी हमने कंप्लीट किया। कुछ पॉइंट और अगर लगा कि बच जाए तो मैं यहाँ की पॉइंट के रूप में दिया हूं कि ड्वार्फ जो प्लांट होते हैं वो कैसा होता है, देखो मैं पहले बता चुका हूं सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, और टॉल जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, करवा चुका हूं। इंडोकार्प जो होता है, जो कठोर वाले भाग होते हैं, नारियल है और नारियल के अंदर जो आपने देखा था ये वाले जो भाग हैं, कठोर वाला भाग, ये वाले भाग, ये जो इंडोकार्प है इसे क्या बोलते हो, इंडोकार्प। ये जो इंडोकार्प है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मेकिंग टॉय बटन इस बनाने में करते हैं। कुरंबा क्या होता है, कुरंबा, तो कुरंबा ये है जो आप पीते हो ना, ये है कुरंबा। तो ये कैसा है, इमेच्योर कोकोनट है, कंटेनिंग रिफ्रेश क्लियर लिक्विड जो रखते हैं उसको हम बोलते हैं कुरंबा। कुरंबा का मतलब क्लियर लिक्विड जो रख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कुरंबा। तो ध्यान रखना, कभी कभी शब्द आ जाए कुरंबा किससे संबंधित है, तो कुरंबा किससे है, नारियल से संबंधित है। 55% नारियल परसेंटेज शेयर प्रोडक्शन मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा केरला में होता है। एनसीडी का पूरा नाम याद रखना, नेचुरल क्रॉस ड्वार्फ, नेचुरल क्रॉस ड्वार्फ। एक यहां से पॉइंट ये याद रखना है, एनसीडी लिख लेना, एनसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल क्रॉस ड्वार्फ। इससे क्या होता है, बियर अर्ली एंड हाई यील्ड वेराइटी। मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम मैं बता चुका हूं कोकोनट में अपनाते हैं, इसको बार बार अपन नहीं पढ़ेंगे, मल्टी टायर करवा दिया। टैपिंग क्या होता है, टैपिंग का मतलब होता है ये आदमी चढ़ रहा है, यहाँ पे चीरा लगाएगा और एक घड़ा बांध दिया, इसमें ताड़ी जमा होंगे, हिंदी में बोलते हैं ताड़ी, और अंग्रेज लोग इसको बोलेंगे टोडी। क्या बोलते हैं, टोडी, जो तरल पदार्थ जमा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टोडी। इमेज में आपको दिखा गांव में बड़ा ये सब, और टोडी ताड़ के पेड़ से सबसे ज्यादा जानते हो 50 लीटर के आसपास एक टोडी प्राप्त कर सकते हैं। कोकोनट इंडस्ट्री प्रोवाइड, देखो इंप्लॉयमेंट, अभी जो आप एक लड़का पूछ रहा था, 10 मिलियन पीपल यानी 10 मिलियन लोग को क्या देता है, नौकरी देते हैं, इंप्लॉयमेंट, ये है पावर। अच्छा मोनोलुरान क्या है, तो कंटेन कोकोनट वायल एचआईवी प्रॉपर्टी, जो एचआईवी प्रॉपर्टी रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलुरान। कहाँ पाया जाता है, कोकोनट के तेल में एक केमिकल पाया जाता है उसका नाम क्या है, मोनोलुरान, जो कैसा प्रॉपर्टी रखता है, एचआईवी प्रॉपर्टी। फुल्ली मैच्योर नट 30 से 40% कोर रखते हैं, कहाँ, मीजोकार्प से, तीसरी बार आ रहा है। और कोकोनट के ऑयल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये बार बार एग्जाम में आया है और दो बार मैं आपको करवा दिया हूं, कौन सा एसिड है, लॉरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, लॉरिक। तो ये फुल फ्लेश हो गए, जितने मुझे लगा 3-4 बुक में मैंने कंप्लीट करा दिया कोकोनट। इससे ज्यादा अगर आ गया तो कोई भी नहीं करेगा, मस्त रहना, डिजीज अलग कराया, डिसऑर्डर अलग कराया, पेस्ट अलग कराया,
इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग करा है, वैरायटी भी मैंने खूब करवा दिया। अब इसके बाद जो हम क्लास शुरू करेंगे वो हम करेंगे काजू का। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।